कांग्रेस विधायकों के साथ बाड़ेबंदी में सीपीएम के विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन आज सीपीआईएम के दोनों विधायकों ने कांग्रेस के समर्थन में वोट किया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। आज सीपीएम के विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि बीजेपी अलोकतांत्रिक नीतियों के विरोध में कांग्रेस के समर्थन में वोट किया है। बलवान पूनिया से खास बातचीत की संवाददाता दिनेश कसाना ने। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान जारी है। पिछले 10 दिनों से जिस तरह के सियासी हालात राजस्थान में बने हुए थे, बीटीपी ने अपने पत्ते खोले, लेकिन सीपीएम की ओर से अब कोई पत्ते नहीं खोले गए थे। अब बलवान पूनिया विधायक हैं, वो वोट कर लौटे हैं। बलवान जी, वोट आप करिए हैं, अभी तक सीपीएम ने पत्ते नहीं खोले थे, किसके पक्ष में आपने वोट किया? मैं बिल्कुल भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करके आया। किस सोच के साथ ये वोट किया? भाजपा रे सांप्रदायिक पार्टी आ रही, अधिनायकवादी पार्टी आ रही। आपकी पहले बात हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा था कि सीताराम येचुरी से हमारी बात हो गई, आपकी विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन ये पत्ते क्यों नहीं खोले गए थे? देख रहे थे परिस्थितियों के अनुसार। कांग्रेस के साथ आए लेकिन बाड़ेबंदी में शामिल नहीं? नहीं, बाड़ेबंदी मैम तो नीतियों के भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट करके, हमारी कोई शर्त नहीं। हमारी शर्त है हिंदुस्तान में संविधान मजबूती से बना रहे, धर्मनिरपेक्षता को आंच न आए, समाजवादी मॉडल देश का खराब ना, हमारी ये शर्त है, बड़ी बड़ी शर्त है जो राजस्थान में पूरी नहीं हो सकती। दिखाकर वोट किया कांग्रेस एजेंट? वो तो उनसे पूछिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे सीपीएम के विधायक बलवान पूनिया, जिनका कहना है कि जिस तरह की लोकतांत्रिक नीतियां कांग्रेस की हैं, भाजपा सरकार को हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने और उनके जो साथी विधायक हैं राम प्रसाद, उन्होंने भी, दोनों विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।